हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपके मन में आ रहे ऐसे कौन से 10 क्वेश्चन है जो हर एक कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उसके दिमाग में आते हैं। वो अपने डॉक्टर से पूछना भी चाहते हैं लेकिन फिर वहाँ पर रुक जाते हैं कि ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सकती, ये क्वेश्चन पूछने पर डॉक्टर क्या सोचेगी। तो हर एक कपल के दिमाग में ये 10 क्वेश्चन होते होंगे जो वो अपनी गायनेक से, अपनी लेडी डॉक्टर से, जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है वो डॉक्टर से पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं सकते। तो इसे 10 क्वेश्चन में यहाँ पर बताऊंगी, उसका डिटेल आंसर भी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं। तो कौन से 10 कॉमन क्वेश्चन है ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सा एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो मोस्ट कॉमन हर एक लेडी के दिमाग में होता है, वो है मेरा पीरियड रेगुलर है या नहीं, वो मैं कैसे जान पाऊंगी, यानी कि किसको हम रेगुलर पीरियड बोलते हैं। यदि आपको रेगुलर पीरियड की डेफिनेशन पता होगी तो आपको इरेगुलर है या नहीं वो तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो फ्रेंड, कभी भी मैं किसी भी लेडी को ये बोलती हूँ कि आपका पीरियड कैसा है, नॉर्मल है या नहीं, तो वो पहले ये आंसर देती है, नहीं मैडम अभी तो बहुत इरेगुलर हो गया है। फिर मैं पूछती हूँ इरेगुलर यानी कि कितना, तो बोलती है 2 दिन कभी आगे आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है 2 दिन पीछे आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यदि आपका पीरियड 2-3 दिन आगे आ जाता है डेट से पहले, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। यदि डेट के बाद, उसके बाद 2-3 दिन के बाद स्टार्ट होता है पीरियड, तो भी वो नॉर्मल है। यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि 25 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में आती है, 25 दिनों के बीच से लेकर 35 यानी कि 35 दिनों के बीच में कभी भी पीरियड आए, उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेरा ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, यानी कि अंडा रिलीज हो रहा है या नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बहुत सारी मेथड अवेलेबल है, उसके लिए आपको अंदर बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे, यानी कि आपकी बॉडी खुद चल के आपको बताएगी कि आज मेरा अंडा रिलीज हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेटिव बन जाना है। तो यहाँ पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम है उसके लिए एक डिटेल वीडियो है, वो आप अच्छे से देख लेना ताकि हर एक साइन एंड सिम्टम्स आपको पता चल पाए। यहाँ पर मैं 2-3 बोल देती हूँ। सबसे पहले आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, पानी गिरता है, उससे आप पता कर पाएंगे। जो पानी अंडा रिलीज होगा उस दिन पे पानी जो आएगा वो आपको एग वाइट जैसा आएगा, स्लिपरी होगा, स्लाइमी डिस्चार्ज आएगा। और यदि 2 उंगली में आप खींच पाएंगे उसको तो वहाँ पर टूटेगा नहीं, अच्छे से थ्रेड बन जाएगा, तो उस दिन आपका अंडा रिलीज हुआ होगा। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि मैं अपने डिस्चार्ज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, यानी कि मुझे ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं लगता, हर दिन सेम डिस्चार्ज लगता है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि वो स्लिपरी है या नहीं, उसका थ्रेड बनता है नहीं, वो मुझे पता नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपका पीरियड ख़त्म हो उस दिन से लेकर हर दिन आपको सुबह में या दोपहर में एक फिक्स टाइम पर अपना वजाइनल डिस्चार्ज चेक करना है। यदि आप डेली चेक करेंगे तो जिस दिन भी अंडा रिलीज होगा उस दिन आप तुरंत कैच कर पाएंगे कि हाँ आज इसकी क्वालिटी डिफरेंट है, आज ये थ्रेड अलग तरीके से, अच्छे तरीके से बन रहा है। तो इसीलिए हर एक दिन आपका डिस्चार्ज कैसा आ रहा है वो आपको महसूस करना होगा, तो तुरंत ही आप अपना ओव्यूलेशन डे जान पाएंगे। बाजार में ओव्यूलेशन किट भी मिलती है, आप वो ओव्यूलेशन किट का सहारा भी ले सकते हैं। और डिजिटल ओव्यूलेशन किट भी मिलती है जो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देती है, चाहे इरेगुलर पीरियड हो या किसी भी तरह से आप में कोई प्रॉब्लम हो ओव्यूलेशन के रिलेटेड, तो आप तुरंत ही डिजिटल किट से पता कर पाएंगे। वो आपको एग्जैक्ट डेट भी देगा, वो डेट पे आपको चेक करना होता है, तो डिजिटल जो किट आती है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करेगा। तीसरा आता है, देखो ये सब हो गया, आपका ओव्यूलेशन भी पता चल गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक कपल के दिमाग में ये रहता है कि मुझे कब रिलेशन रखना है ये पता नहीं है। देखो 20-30% केसेस में प्रेगनेंसी इसीलिए नहीं रुकती क्योंकि उसको एग्जैक्ट डेट पता नहीं चलता कब उसको रिलेशन रखना है। और यदि एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डेज उसको पता नहीं चलेगा तब तक वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो एग्जैक्ट डेज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे कब रिलेशन रखना चाहिए, तो जैसे ही आपका अंडा रिलीज होता है वो एक ही दिन आपके बॉडी में रहता है, 1 या मैक्सिमम 2 दिन तक आपके अंदर चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के। उसी दिनों में यदि आप रिलेशन रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 50-70% बढ़ जाएंगे।
दूसरा, अब यहाँ पर एक दिक्कत कपल को ये भी आती है कि वो उस दिनों में साथ में रहने के लिए पॉसिबल नहीं होता, कहीं बाहर जाना होता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो क्या करें, या एग्जिट डेज भी पता नहीं कर पाते, तो उसको क्या करना चाहिए, मेंसेस के 9वें दिन से लेकर मेंसेस के 20वें दिन तक अल्टरनेट डे रिलेशन रख देना है, क्योंकि यहाँ पर ही इसी दिनों में कहीं ना कहीं उसका एक डे होता है जहाँ पर ओविलेशन होता है, जहाँ पर उसका अंडा रिलीज होता है, तो यदि इस दिनों के बीच में अल्टरनेट डे रिलेशन रख देने से उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस 80-90% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिलेशन कब रखना है ये नॉलेज आपको होना ही चाहिए यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। दूसरा एक क्वेश्चन, मुझे कौन से रिपोर्ट करवाने चाहिए? तो देखो, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, दोनों के सारे रिपोर्ट यदि नॉर्मल होंगे तभी जाके प्रेगनेंसी रुकेगी। तो वहाँ पर रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं, इसके लिए आपको टेस्ट करवाना चाहिए, कॉमन टेस्ट, हस्बैंड के लिए काउंट उसका नॉर्मल है या नहीं, उसकी मोटिलिटी नॉर्मल है या नहीं, वो तो देखी जाती है, उसके अंदर थायराइड डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है या नहीं वो देखा जाता है। और हम फीमेल की बात करें तो उसमें भी थायराइड है, डायबिटीज है, वो सब बीमारी है नहीं वो पहले चेक होती है, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हॉर्मोन के जो लेवल होते हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। फिर जाके आता है उसकी ओवरी, तो सोनोग्राफी में सब पता चल जाते हैं उसकी ओवरी नॉर्मल है या नहीं, उसका यूट्रस के अंदर उसकी बच्चेदानी में कोई दिक्कत है या नहीं, तो उसके लिए सोनोग्राफी अच्छे से करवा देनी चाहिए। तीसरा, उसकी दोनों ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या फिर बच्चे की जो नली होती है वो अच्छे से पेटेंट है या नहीं, वो खुली है या नहीं, इतने सारे टेस्ट करवाने होते हैं, और इसमें से कोई एक में भी दिक्कत होती है तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट आप करवा लीजिए, जब भी प्लान करें दोनों के टेस्ट साथ में होने चाहिए, ऐसा नहीं पहले फीमेल के कर दिया, उसका जो दिक्कत है उसमें कोई भी कंप्लेन है उसकी ट्रीटमेंट कीजिए, फिर चल के 5-6 महीने बाद जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती उसके बाद जाके हस्बैंड के रिपोर्ट की बारी आती, ऐसा नहीं है। दोनों के जब भी आप प्लान करो तुरंत ही दोनों के सारे रिपोर्ट निकाल लो, दोनों में जो तकलीफ होगी पैरेलल ट्रीटमेंट चलेगी, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। तो इतने सारे आपके रिपोर्ट नॉर्मल होने चाहिए, इतने सारे रिपोर्ट आपके किए होने चाहिए जो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो। दूसरा क्वेश्चन कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो क्यों नहीं रही थी प्रेगनेंसी? कई बार ऐसा होता है कि दोनों के सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, कई बार ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वहाँ पर आप ओव्यूलेशन के टाइम पे या ओव्यूलेशन के बाद के दिनों में जो टिप्स फॉलो करनी होती है, जो ध्यान रखना होता है वो आप नहीं रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर महीने में कुछ ना कुछ गलती आप कर जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, यानी कि बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपक नहीं पाता, या एक बार चिपक भी जाए तो भी वो पीरियड के साथ बाहर निकल जाता है। तो यदि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो एक मेरा स्पेशल वीडियो है कि आप कौन सी गलतियाँ ना करें जिससे आपके प्रेगनेंसी जल्दी रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, उसमें जो 5 टिप मैंने बताई है वो सारी टिप्स आप अच्छे से फॉलो कर दीजिए तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत ही जल्दी से कंसीव कर लिया है ये सारी टिप्स फॉलो करके, तो आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी कंसीव कर पाएंगे, तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि एक तरफ की ओवरी निकाल दी गई है या फिर एक तरफ की फेलोपियन ट्यूब निकाल दी गई है और सिर्फ एक ही साइड की ओवरी या फेलोपियन ट्यूब प्रिजर्व है, उसके अंदर है, तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है, नेचुरल प्रेगनेंसी वहाँ पे रह पाएगी? तो जी हाँ, यदि आपके बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और एक साइड की जो ओवरी है, जो फेलोपियन ट्यूब है वो नॉर्मल है तो नेचुरल प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि 1 महीने आपकी एक ओवरी में से रिलीज होगा अंडा, दूसरे महीने आपकी दूसरी ओवरी में से अंडा रिलीज होगा, तो जिस तरफ से ओवरी निकल गई है वो 1 महीना आपके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, यानी कि अल्टरनेट मंथ आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी आप कंसीव कर पाएंगे यदि एक तरफ की ओवरी, एक तरफ की फेलोपियन ट्यूब अच्छी है, बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लान कीजिए, वहाँ पर नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन, मेरा IUI 2-3 बार हो चुका है या फिर IVF हो चुका है लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस है, मैं कभी माँ बन पाऊंगी या नहीं? तो जी हाँ, ऐसे केसेस में आपका जो AMH लेवल होता है, आपके हार्मोन बैलेंस करने पड़ते हैं, यदि वहाँ पर हार्मोन बैलेंस किए बगैर ही आपने IUI या IVF प्रोसेस करा दी, या फिर आपने अभी जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे आपके AMH रिपोर्ट जो है वो नहीं करवाया, उसको नॉर्मल लेवल पे नहीं लाया है, तो ही प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है, तो ही IUI या IVF फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब प्रेगनेंसी प्लान करो तो आपका AMH लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए,
ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 1 से 3 के बीच में यदि आपका AMH लेवल है तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस 100% है, यदि बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो। लेकिन यदि AMH रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम होगा या बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, 10, 12, 15, 20 इस तरह से यदि होगा, तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होगी, प्लस IVF IUI भी सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करो, अपने AMH रिपोर्ट को पहले नॉर्मल लेवल पे लाने की ट्राई कीजिए, तो जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइट पानी गिर रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केस में क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो जी हाँ, वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है यदि आप उसकी ट्रीटमेंट ना कराओ तो। तो सबसे पहले जब भी आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, आपकी वाइट पानी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन बढ़ा दीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हाँ फ्रेंड, इस सारे क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा, कोई और परेशानी हो जो आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत कर रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। और आपने वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि और लोगों को भी हेल्प हमें करनी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपके जो भी रिजल्ट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आपकी अपनी चैनल में। और आप फ्रेंड अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय।